अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े अरसे बाद आए हैं आज हम लोग एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और बाहर निकलना जो है ना बहुत ही शदीद मसला होता है। अभी भी जो है ना गाड़ी मेरी धूप में खड़ी थी, तो मैं आके जस्ट गाड़ी में बैठा हूँ। 4:30 का टाइम हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं उबल रहा हूँ भाई, पसीना शदीद आ रहा है। तो खिड़कियाँ वगैरह खोली हुई ताकि थोड़ी सी जो गैस वैस गाड़ी के अंदर है वो बाहर निकल जाए। अच्छा, आज का भाई हमारा सफ़र है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर की तरफ, जो कि मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, कॉर्निश के सामने है। और इसका आर्किटेक्चर जो है ना मेरे ख्याल से वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग आर्किटेक्चर में आता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन की रोशनी में वहाँ पहुँचे ताकि बाहर से हम उसका आर्किटेक्चर भी कवर कर सकें, वरना अंदर से तो आज इंशाल्लाह पूरा कवर करना ही है। तो दिखाएंगे आज नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ तो भाई, अभी जो है ना हम लोग पहुँच गए पार्किंग में। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो वो अगर यहाँ से हमें मिल गई तो जो है हमें ड्रॉप करेंगी, वरना जो है हम लोग पैदल जाएंगे। भाई ये बस ड्राइवर्स वगैरह वाले हैं, और वॉशरूम वगैरह यहाँ से देखो भाई, ये म्यूज़ियम के एंट्रेंस का बोर्ड लगा हुआ है। ये लेफ्ट पे भी एक पार्किंग थी जो फुल थी, हम लोगों ने गाड़ी उधर आगे की साइड पर खड़ी की है। ये जो आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है ना, ये म्यूज़ियम है। हाँ ये देखो, ये प्रेयर रूम वगैरह है। भैया हम लोग जो है ना चलना शुरू हो चुके हैं। ये क्रैकर्स, रिसाइकलिंग, पॉलीमर्स वगैरह ये सब जगह है। ये देखें, स्ट्रक्चर बनाया हुआ। अच्छा भाई, अब जाना ये यहाँ से जाना हम लोग म्यूजियम में एंट्रेंस है, ये रास्ता है इसका। ये हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया है। अभी भी जाना हम लोग चल ही रहे हैं म्यूजियम में एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है ना उसे गाई है। आप समझ में आया यहाँ पर बग्गीज क्यों चल रही है भाई? अच्छा भाई, देखो भाई, अब ये एंट्रेंस है और ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे सिक्योरिटी होगी, तो फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई ये काउंटर था, यहाँ से हमने टिकट्स लिया, हमें आरपी था तो फ्री मिला, वरना जो है 50 रियाल की एंट्रेंस है। तो भाई हमें जो है ना फर्स्ट फ्लोर रेकमेंड करा यहाँ के स्टाफ ने, क्या आप पहली दफ़ा आए तो फर्स्ट फ्लोर से शुरू करें। ये तो गिफ्ट शॉप आ गई, इसके भी अंदर जाएंगे बाद में। लेकिन अभी हम मेन लॉबी, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, हम लोग चलेंगे मेन लॉबी की तरफ। ये जो है ना, ये कुछ फीफा के सुवेनियर्स वगैरह रखे हुए हैं, करीब से देखते हैं इधर ही चल के। हाँ ये भाई लाइव जो स्लोगन था फीफा का, वो फीफा की टॉयज, फिर उसके बाद ये भाई फीफा की फुटबॉल्स। अच्छा, फीफा की फुटबॉल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनी थी भाई। अच्छा, डेजर्ट रोज़ क्या है ये? पत्थर मत्थर है भाई। डेजर्ट रोज, हाँ, नेचुरल सैंडस्टोन मेड ऑफ जिप्सम। हाँ तो भाई ये देखें, ये क्या ना, यहाँ पे जो अरबी खातून है ना, वो अपने बुरखे के ऊपर मुँह पे पहनती हैं ये, ताकि मुँह शरीर तौर पे कवर रहे। चल झूठा, अब हम लोग इधर अंदर जाएंगे। तो भाई अब जो है ना हम लोग अंदर आ गए हैं, ज़बरदस्त अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। ओए भाई, ये डबल स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा भाई ये देखो भाई, कुछ ये मछली वगैरह, ये स्क्रीन भाई।
भाई अब हम लोग ये लोग भाई जबरदस्त इन्होंने वेल लटकाई भी है भाई। और ये सारी वॉल्स जो है ना एक्चुअली ये वॉल्स नहीं है, ये स्क्रीन है भाई। ओह ये ओरिजिनल को जो है ना उनको फ्लफ किया हुआ भरा हुआ है। ये शतर मुर्ख भाई अपने से तो बहुत ही बड़ा है। और ये देखो भाई उल्लू वाला जो है यहाँ का नेचुरल जो है सैंडस्टॉर्म दिखा रहे हैं। ये यहाँ के नेचुरल एनिमल्स हैं, नेशनल एनिमल्स हैं। भाई ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ना ये वही है रैकून, ये वही है जिसके अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मर में की छुपी होती है, ये वही उल्लू है भाई। इसके अंदर हो सकता है की निकले और हम टाइम ट्रेवल कर सकें। अच्छा इसमें से ये मैंने खाया हुआ, ये मैंने खाया हुआ, ये अबे हर तकरीबन सब कुछ ही खाया हुआ मैंने, सोचा सब लजीज होते हैं। स्क्रीन से जूम करके देख सकते हैं इनको। अच्छा भाई हम लोग वापस आ गए इधर क्योंकि जो है ना अब रात हो गई भाई, रात दिखा रहे हैं लोगों। यार क्या हो रहा है, डिफरेंट बुक्स हैं भाई। देखो वही मशकेज वगैरह ना जिसमें पानी वानी भरते हैं। हाँ ये ऊँट वगैरह से सहरा में सफ़र करने की चीज़ें हैं सारी, तो यहाँ पे सब दिखा भी रहे ऊँट वगैरह। अभी नेक्स्ट अपना एरिया इधर है, रेत बह रही है, पुराने बर्तन मर्तन छर्तन। चाय वाय का सामान। अच्छा भाई अब जो है ना भाई नीचे उन्होंने ऐसा बनाया ऐसे जो है ना कोई नहीं चल रहा। बहरहाल अब हम यहाँ से निकलेंगे और आगे की तरफ। तो भाई ये हम लोग आ गए इधर। अच्छा भाई हाँ मरियम डर गए सुबह थोड़ी बहुत तफरी करके अब हम लोग वापस निकले भाई। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट गैलरी में, इसमें हलीम बनाने के लिए बेहतरीन है ये वो खुशबू उशबू के लिए दिखा रहे हैं भाई। मोती वोती पकड़ते थे लोग, मोती लाते थे भाई, मोती दिखा रहे हैं कि मोती कैसे लेकर आते थे लोग पहले। अभी कैसी आवाज़ आ रही है, हाँ अरे उन्होंने किस कदर प्रोजेक्टर लगाए मेरे ताबा हैं। ये देखो ये ज्वेलरी इन लोगों की है, द वेडिंग रूम। अच्छा भाई वेडिंग रूम है ये, ये देखो
पे कतर की एक्सपेंशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना साइट्स पे एड चलेंगे और ये एक्सपेंशन दिखा रहे हैं कतर की। यहाँ पे ये खड़ा हुआ कतर रेलवे का जहाज और जो है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल फाउंडेड वगैरह भी दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से कतर जो तरक्की के रास्ते पे चला। तो भाई अब हम जो है ना आखिरी स्टॉप की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना लाइट शो वगैरह होगा तो शर्त के बाद यहाँ पे जो है कार से कनेक्शन भी कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो भाई अब जो है ना हम लोग ख़त्म करके बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे जो है ना कुछ विंटेज कार होती हैं तो हमने उनका रास्ता वगैरह पूछा है और हम लोग अब उस तरफ गामसान है। हम आ गए म्यूज़ियम से एग्जिट करके ना, और यहाँ पे देखो सामने जो है कॉलेज का रोड है पूरा ज़बरदस्त। और ये फिर जो है म्यूज़ियम, अब यहाँ पे जो हम लोग विंटेज कार्स वगैरह देख रहे हैं, मिलेगी तो इंशाल्लाह दिखाएंगे ज़रूर। हाँ तो भाई ये हम लोग आ गए अंदर, उन्होंने बोला हुआ भाई तस्वीरें लो कुछ भी करो पर जो है ना टच नहीं करो। वो हो रहा था पर ट्रांसपेरेंट है ये। हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे और भाई अब व्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया। हम लोगों ने जो है बस पूरा टूर कर लिया, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बग्गी के इंतजार में खड़े होंगे, वो हमें ड्रॉप करेगी। तो ओवरऑल जो है जगह बहुत अच्छी है, मस्ट रिकमेंडेड है। और जो है आखिर में वही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम लोग घूमते रहेंगे, जगह दिखाते रहेंगे, बस थोड़ा मौसम अच्छा होने। चलें दुआ में याद रखें।